दोस्तों आप यहाँ पर जो ये कॉयल वाइंडिंग मशीन देख रहे हैं ये हैंड ऑपरेटेड क्वाइल वाइंडिंग मशीन है इससे आप सीलिंग फैन का भी क्वाइल वाइंडिंग कर सकते हैं और मोटर का भी क्वाइल वाइंडिंग कर सकते हैं ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये किसान इंजीनियरिंग द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया क्वाइल वाइंडिंग मशीन है इसका मॉडल नंबर है के आई जे वन वन वन, वन। अब आप यहाँ पर देखिए इस मशीन के साथ जो इतना सारा पार्ट्स आया है ये कहाँ और कैसे लगाया जाएगा आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ दोस्तों अगर आप ये वाला क्वाइल वाइंडिंग मशीन खरीदना चाहते हैं या फिर आप कोई दूसरा मॉडल वाला सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन किसान इंजीनियरिंग का खरीदना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर इनका नंबर दे रहा हूँ आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप अपने लिए सीलिंग फैन का ऑर्डर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कॉयल वाइंडिंग मशीन के साथ जो इतना सारा पार्ट्स आया है ये कहाँ और कैसे लगाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप ये जो पीला पीला देख रहे हैं ये वाला ये चार लेग है इस लेग को कहाँ लगाया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ तो देखिए इसके लिए यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं चार वोल्ट मिला है ये चारों वोल्ट को भी इस लेग में लगाया जाएगा तो देखिए इस मशीन को मुझे पलटना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ इस मशीन को पूरी तरह से पलट लेता हूँ पलटने के बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने मशीन को इस तरह से पलट दिया इसी तरह से आपको मशीन को पलट देना है और यहाँ पर जो ये चार लेग आप देख रहे हैं इसमें से मैं एक लेग आपको अभी लगा कर दिखाता हूँ देखिए इस बोल्ट को इसके अंदर डाल करके इसे यहाँ पर आपको लगाना है इस तरह से और आपको बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है तो मैं बोल्ट को बाद में अच्छी तरह से टाइट कर लूँगा अभी मैं आपको इस तरह से लगा कर दिखाता हूँ कि इसे इस तरह से लगाना है और मैं क्या करता हूँ अब मैं दूसरा लेग यहाँ से लेता हूँ दूसरे लेग में भी देखिए बोल्ट लगा करके इस तरह से यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर लेना है तो मैं बाद में अच्छी तरह से टाइट करूँगा अभी आपको दिखा रहा हूँ तो देखिए क्या करना है यहाँ पर एक यहाँ दो यहाँ तीन यहाँ चार ये चारों लेग लगा कर के मैं अच्छी तरह टाइट कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने यहाँ पर ये जो चारों लेग है इसे मैं अच्छी तरह से इसमें लगा दिया हूँ अब मैं इस मशीन को सीधा कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने मशीन को सीधा कर दिया अब ये मशीन जो है देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है जब इसमें लेग लग गया है तो अब देखिए ये हैंड ऑपरेटेड क्वल वाइंडिंग मशीन है इसलिए इसमें हैंडल लगाना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं इसका हैंडल ही लगा कर आपको दिखाता हूँ तो ये इसका हैंडल वाला भाग है तो इसी को मैं आपको सबसे पहले लगा कर दिखाता हूँ तो इसमें जो ये नट इसमें लगा हुआ है इस नट को आपको इस तरह से घुमा घुमा कर खोल लेना है इसे खोलने के बाद आपको क्या करना है ये जो है इसे इसमें इस तरह से डाल कर इस नट को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है तो मैं इस नट को अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं अब इसे कहाँ लगाना है तो देखिए इसे यहाँ पर लगाना है यहाँ पर आप देखिएगा इसे जो ये रड है ये वाला इसमें एक कट किया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ देखिए आपको मैं दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर यहाँ पर कट किया हुआ है ना तो इसी कट में आपको क्या करना है ये जो यहाँ पर ये बोल्ट है ये वाला इस बोल्ट को इसी कट के ठीक सामने में देखिए ये जो बोल्ट लगेगा ना ये इसके अंदर से लगेगा ठीक है तो ये इसी पर बैठेगा इसी कट पर ठीक है ना तो इसी पर आपको इस बोल्ट को इस तरह से देखिए बैठा कर इसे अच्छी तरह से टाइट कर देना तो मैं इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं अब ये हमारा हैंडल तैयार हो चुका है काम करने के लिए इसे आप उल्टा सीधा जिधर से घुमाना चाहते हैं आप इसे घुमा सकते हैं तो ये हमारा हैंडल यहाँ पर लग चुका है ये हैंड ऑपरेटेड क्वाइल वाइंडिंग मशीन है इसलिए यहाँ पर हैंडल लगाया जाता है अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें जो ये काउंटर मीटर है ये वाला इसे कहाँ पर लगाया जाता है तो इसके लिए देखिए यहां पर आप देखिए दो स्क्रू है इन दोनों स्क्रू को आपको सबसे पहले खोल लेना है ये दोनों स्क्रू को खोलने के बाद ही यहाँ पर ये काउंटर मीटर लगेगा तो इस काउंटर मीटर को आपको यहाँ पर लगाना है देखिए मैंने यहाँ पर काउंटर मीटर लगा दिए हैं अब मैं आपको सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ कि जो मोटर का कॉयल बनाया जाएगा तो उसके लिए जो पार्ट्स आया है इसमें लगाने के लिए वो कहाँ और कैसे लगा जाएगा ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग फैन का जो कॉइल बनाने वाला जो पार्ट्स इस मशीन में लगेगा वो कहाँ और कैसे लगेगा तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो ये क्वाइल फर्मा अटैचमेंट है इसे कहाँ पर लगाया जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए इसे जो है ना ये जो आप रड देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर जो ये रड है इसमें ही लगेगा तो ये कहाँ पर लगेगा देखिए इस रड में भी एक कट है यहाँ पर देखिए आपको दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर ये कट है इस कट पर ही आपको क्या करना है जो इसमें अब देख रहे हैं ये जो बोल्ट है इस बोल्ट को इस कट पर ही टाइट करना है तो इसे इसमें क्या करना है इस तरह से इसके अंदर डालना है मैं आपको दिखाता हूँ डालकर इस तरह से और इसे अंदर के तरफ धक्का देना है थोड़ा थोड़ा जोर लगाकर तो ये अंदर चला जाएगा देखिए इस तरह से अब इस बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लेना तो मैं इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं अब क्या करना है देखिए यहाँ पर जो ये क्वाइल वाइंडिंग फर्मापत्ती है इसे लगाना है तो इसे कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ तो देखिए इसके लिए यहाँ पर जो दो नट है इन दोनों नट में से एक नट को आपको इधर कर देना है और दूसरे नट को आपको बाहर निकाल लेना है इसके बाद आपको करना ये है कि ये जो क्वायल वाइंडिंग फर्मा पत्ते है इसे यहाँ पर इस तरह से लगा करके ये जो नट है इस नट को आपको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है तो मैं इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं अब आप यहां पर देखिए ये जो मोटर वाइंडिंग फर्मा है इसे कैसे लगाया जाता है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ तो इसके लिए देखिए यहाँ पर नट बोल्ट दिया गया है ये वाला नट बोल्ट है तो इसमें से जो ये दोनों नट है इसे खोल लेना है आपको इस तरह से खोलने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ देख खोलने के बाद इस हॉल में इस बोल्ट को अच्छी तरह से इस तरह से लगाना है देखिए इतना आपको लगा करके इस नट को इसमें अच्छी तरह से टाइट कर देना है तो मैं इस नट को यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ टाइट करने के बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं अब देखिए इसे इस में पत्ती में लगाना है तो आपको जहां पर लगाना आप लगा सकते हैं तो देखिए मैं यहां पर लगा रहा हूं इस नट को अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिया अब आपको क्या करना है जो इसका दूसरा वाला भाग है उसे आपको यहाँ पर लगाना है तो इसे भी ठीक इसी तरह से टाइट करना मैं आपको दिखाता हूँ देखिए ये जो दोनों नट है इसे आपको खोल लेना है अच्छी तरह से जैसे पहले वाले को खोले थे इसी तरह से खोल के इसे इसमें अच्छी तरह से इसे भी लगा देना है तो मैं इसे यहाँ पर अच्छी तरह से लगा लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने इसे यहाँ पर अच्छी तरह से लगा दिए हैं अब मैं इसे इस फर्मे पत्ती में लगा देता हूँ इसे भी तो देखिए मैं इसे यहाँ पर इस तरह से लगा रहा हूँ देखिए इसे अभी लूज रखना है आपको जितना बड़ा साइज आपका क्वाइल बनाना है उस हिसाब से इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं तो मैं इसे यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ अगर मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कॉयल बनाना चाहूँ तो देखिए मैं इसे यहाँ से निकाल करके मैं इसे और बड़ा कर सकता हूँ तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा देखिए मैं इसे निकाल कर देखिए इतना बड़ा इतना बड़ा कॉइल इसमें हमारा बन जाएगा तो अब मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट कर लेता हूँ अब ये मोटर वाइंडिंग फर्मा तैयार हो चुका है मोटर का कॉइल बनाने के लिए अब आप अपने हिसाब से जिस साइज़ का कॉइल बनाना चाहते हैं मोटर का आप बना सकते हैं दोस्तों अगर आप अलग से इस तरह का कोयल फर्मा और इस तरह का बड़ा वाला कॉयल फर्मा पत्ती खरीद लेते हैं तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि आप इस क्वाइल वाइंडिंग मशीन से आप हर तरह के पंखे का कॉयल बना सकते हैं हर तरह का मोटर कॉयल बना सकते हैं जैसे आप ये तो इसमें तो आप सीलिंग फैन का कोईल वाइंडिंग कर ही सकते हैं साथ में आप टेबल फैन पेडेस्टल फैन एग्जॉस्ट फैन यानी कि आप सभी तरह के पंखे का क्वाइल बना सकते हैं अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस हैंडल को एक चक्कर लगाते हैं तो इसमें आपको साढ़े सात टन का क्वाइल बनेगा इसमें जो क्वाइल बनेगा वो साढ़े सात टन का क्वाइल बनेगा तो मैं इस क्या करता हूं इस हैंडल को दस बार घुमाकर दिखाता हूं कितना टर्न होता है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखिए दस बार में ये पचहत्तर टन यहाँ पर काउंट किया है यानी कि आपका जो कॉइल बनेगा वो पचहत्तर टन का कॉइल बनेगा तो आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि हैंडल को अगर एक बार घुमाते हैं तो साढ़े साठ टन का कोयल बनेगा यानी कि दस बार जब घुमाते हैं तो उस हिसाब से इसमें पचहत्तर टन का कोयल बन जाएगा आपने देख लिया कि जो मोटर का कॉयल बनाने वाला ये फर्मा है इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है तो अब देखिए जो सीलिंग फैन का जो कोयल बनाने वाला ये सारा जो पार्ट्स इसमें आया हुआ है वो कहाँ पर लगेगा इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ तो इसके लिए क्या करना है ये जो फरमा इसे निकालना होगा तो इसके लिए जो यहाँ पर ये यह बोल्ट दिया गया है ना इस बोल्ट को ढीला करना है ढीला करने के बाद इसे इस तरफ खींच लेना है तो ये निकल जाएगा तो मैं इसे पूरी तरह से निकाल लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ अब देखिए इसमें क्या करना है सबसे पहले ये वाला जो सरिया है इसे लगाना होगा तो इसे कहाँ पर लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए इसे लगाने के लिए आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर बोल्ट दिया हुआ है इन दोनों बोल्ट को खोल करके देखिए इस तरह से आपको दोनों बोल्ट खोल लेना है दोनों बोल्ट को खोलने के बाद आपको इसमें ये वाला सरिया देखिए यहाँ पर जो दो होल दिख रहा है इन दोनों होल में ये बोल्ट को लगाना है देखिए इस तरह से यहाँ पर रख देना है और इन दोनों बोल्ट को यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर देना है तो मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने इसे यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं अब यहाँ पर देखिए ये जो लम्दा पत्ती है इसे कहाँ पर लगाना है तो देखिए इसे यहाँ पर लगाना है इस जगह पर तो मैं यहाँ पर ये दोनों जो बोल्ट इसे खोल लेता हूँ खोलने के बाद इसे यहाँ पर लगा देता हूँ लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने यहाँ पर लमदा पत्ती को अच्छी तरह से लगा दिए हैं अब देखिए इसमें जो है ना ये वायर किप लगेगा ये जो पीला वाला वायर किप है ना इसे लगाना है तो इसे यहां पर लगाना है तो मैं यहां पर इसे अच्छी तरह से लगा देता हूं देखिए मैंने यहां पर वायर किप लगा दिए हैं अब देखिए इसमें डाई लगाना होगा तो डाई कहाँ पर लगता है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो ये डाई है ये मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि डाई कहाँ पर लगेगा ये डाई तो ये जो डाई है ना ये डाई आपको देखिए यहाँ पर लगता है इस जगह पर तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है देखिए यहाँ पर कुछ स्क्रू है देख लीजिए इसमें से जो है कि चार स्क्रू का ज़रूरत पड़ेगा ठीक है डाई लगाने के लिए दोनों तरफ डाई लगेगा इसलिए इसमें चार स्क्रू का ज़रूरत पड़ेगा ठीक है बाकी का जो तीन स्क्रू है इसे आप रख लीजिए एक्स्ट्रा में दिया गया है और यहाँ पर देखिए दो वायर बिट दिया गया है ये वायर बिट कहाँ पर लगता है तो देखिए ये वायर बिट जो है ना यहाँ पर लगता है इस सरिया में देखिए यहाँ पर ये वायर बिट है जो आपको अलग से यहाँ पर दो वायर बिट दिया गया है जो एक्स्ट्रा में है कभी अगर आपका गलती से ये वायर बिट टूट जाता है तो ये वाला जो है वायर बिट आपका काम आ जाएगा ऐसे तो वायर बिट जल्दी टूटता नहीं है अब मैं क्या करता हूँ ये जो दोनों मास्टर डाई है इसे मैं पहले यहाँ पर लगाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर इसे लगाते वक्त तो आपको याद रखना है कि ये वाला ऊपर रहना चाहिए ठीक है तो और यहाँ पर देखिए दो डॉट है ये भी ऊपर रहना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है ये डाई को ये जो दो स्क्रू है इन दोनों स्क्रू से अच्छी तरह से टाइट कर लेना है तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ डाई लगा देता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूं देखिए मैंने यहां पर दोनों तरफ डाई लगा दिए हैं अब यह मशीन पूरी तरह से तैयार हो चुका है सीलिंग फैन का क्वाल बाइंडिंग करने के लिए इस मशीन के साथ जितना भी पार्ट्स आया था वो सारा पार्ट्स मैंने इसमें आपको लगा कर दिखा दिया देखिए मैं आपको पहले ये वाला पार्ट्स लगा कर दिखाया था तो इसे मुझे निकालना पड़ा क्योंकि अगर ये नहीं निकलेगा तो यहाँ पर ये लम्बा पत्ती नहीं लगेगा तो लम्बा पत्ती को लगाने के लिए इसे मुझे निकालना पड़ा आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप डाई लगाते हैं ना तो ये वाला भाग ऊपर रहना चाहिए डाई का और यहाँ पर आप देखिए दो डॉट का निशान है ये वाला डॉट का निशान ऊपर के तरफ रहना चाहिए जब आप डाई लगाते हैं उस समय तो दोस्तों इस मशीन के साथ जितना सारा पार्ट्स आया था उसे मैंने आपको लगाकर दिखा दिया कि कौन सा पार्ट्स कहां पर और कैसे लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और वीडियो को बनाने के साथ समझाने में और भी काफ़ी मेहनत लगता है और वीडियो बनाने में काफ़ी समय भी लगता है तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं उसमें कितना काफ़ी मेहनत लगता है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों सभी रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करेंगे